नमस्कार, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द फंटूज के एक नए एपिसोड में। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, दूसरा स्थान जतिन किशोर और तीसरा स्थान प्रतिभा वर्मा ने हासिल किया है। परीक्षा में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें से 304 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से, 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी, 129 एससी और 67 एसटी कैटेगरी से हैं। परीक्षार्थियों के मार्क्स 15 दिनों के बाद जारी किए जाएंगे। यूपीएससी ने 182 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में रखा है। इनमें से 91 जनरल कैटेगरी, 9 ईडब्ल्यूएस, 71 ओबीसी, 8 एससी और 3 एसटी कैटेगरी के हैं। 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका रिजल्ट होल्ड पर रखा गया है। आपको बता दें कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में 2304 उम्मीदवार सफल हुए थे। इनके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 17 फरवरी 2020 से शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसे मार्च में स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 20 से 30 जुलाई के बीच में इंटरव्यू फिर से आयोजित किए गए। इसके लिए आयोग ने इंटरव्यू में आने जाने के लिए विमान के किराए का भुगतान करने का फैसला किया था। कोविड-19 के कारण ट्रेन सेवा पूरी तरह से शुरू न होने की वजह से यह फैसला लिया गया था। चयनित उम्मीदवारों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई वैकेंसी के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा या भर्ती से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो वह यूपीएससी कैंपस परिसर में वर्किंग डेस्क पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जाकर जानकारी हासिल कर सकता है। हर वर्ष आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश के सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, रेलवे ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। देश और दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स ऐसे ही रेगुलरली पाते रहने के लिए हमारे चैनल द फंटूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।